सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज आप मेरे पीछे एक बाइक देख रहे हैं। ये नई कंपनी है और एक नया बाइक है। इससे पहले पाकिस्तान में इसका रिव्यू किसी ने नहीं किया, आज हम इसका रिव्यू करेंगे और साथ साथ बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। फ्रंट लुक में एक वाइड एंगल दिया गया है और नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी प्रोजेक्शन लाइट, हेडलाइट इसमें एडजस्ट की गई है। और ये आप एक एक्स्ट्रा मोटर गार्ड इसमें लगाया गया है जो कि थोड़ा नॉर्मल प्लास्टिक में है। नीचे वाला मोटर गार्ड देख लें, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक में है। और इसकी टायर ग्रिप आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके फ्रंट जो है, इसका टायर उसके बारे में अगर बात की जाए, तो इसका जो फ्रंट टायर है वो 110/80 इसका फ्रंट टायर है। और एक बड़ी डिस्क ब्रेक इसमें एडजस्ट की गई है, आप डिस्क ब्रेक को देख सकते हैं। और अब टायर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी इसकी ये टैंकी है, आप देख सकते हैं टैंकी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी टैंकी में जो है 13 लीटर तक पेट्रोल आप इसमें सेफ रख सकते हैं। और बाकी ओवरऑल इसकी बात की जाए तो एक अच्छा डिज़ाइन है, ट्रेल बाइक जैसा ही इसका डिज़ाइन है। और पेट्रोल एवरेज इंजन के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि जो इसका इंजन है वो 223 cc है और एयर कूल इंजन है। उसके अलावा ओवरहेड कैम इंजन है। और अगर बैक टायर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बैक टायर में भी एक अच्छी डिस्क ब्रेक, बड़ी डिस्क ब्रेक एडजस्ट की है। साथ ही हम डिजिटल मीटर की बात कर लेते हैं, इसमें फ्यूल और वगैरह और गियर्स वगैरह में बताते हैं। साथ हैंडल की बात कर लें तो हैंडल में आप ये रेड बटन देख सकते हैं, इसको यहाँ से आप इंजन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप अपनी लाइट को ऑन को ऑफ कर सकते हैं और नीचे सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी है। और ये ऑयल गेज है फ्रंट डिस्क ब्रेक का। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हुए आपको बताते हैं कि इसमें एक ये ऊपर की साइड पर आप देख सकते हैं कि एक कवर लगाया गया है ताकि आपके हाथ पर चोट ना लगे। और ये एक डिपर लाइट के लिए ऑप्शन दी गई है अलहदा से। और ये एक्स्ट्रा आप लाइट को जो अप डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे इशारों का और हॉर्न का बटन था। इसके अलावा आप इसके मिरर देख सकते हैं और टैंकी की शेप को क्लियरली हम देख रहे हैं। 13 लीटर इसमें पेट्रोल आ सकता है, आपको पहले भी बताया था। और 38 किलोमीटर तक ये पर लीटर के हिसाब से जो है रनिंग करती है। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो बैक साइड पर है, दो साइलेंसर एडजस्ट किए गए हैं, दो मफलर हैं इसके। और साथ इसके इशारे आप देख लें, बहुत ही एंटीक डिज़ाइन में इसके इशारे बनाए गए हैं। और पीछे प्लास्टिक का मोटर गार्ड है और नीचे अच्छी ग्रिप। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी एक ओवरऑल जो है लुक दिखाते हैं आपको कि ये कैसा डिज़ाइन किया गया है। ये एक ट्रेल बाइक है, अच्छा बाइक है। इंजन के बारे में तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, ये एक एयर कूल इंजन है और 223 cc इसका इंजन है। जबकि इसको हम 250 जो है इसका मॉडल भी है, टेकन 250। और आप इसका चेन वगैरह देख सकते हैं, इसका कवर देख सकते हैं कि कैसी इसकी गरारी बनाई गई है और कैसा इसको कवर किया गया है। और जो चेन की हिफाजत करने के लिए जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रेल बाइक है और एक रेसर बाइक है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी ओवरऑल लुक की बात कर लें तो इसमें मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत क्लोज से बनाते हैं, आप थोड़ा सा दूर से भी वीडियो बनाया करें। तो मेरे उन दोस्तों के लिए मैं ये आज बहुत दूर से इसका जो है वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा क्लोजअप नहीं ले रहा इसके, ताकि आपको जो है ओवरऑल बाइक नज़र आए और एक एक चीज़ आपको बाइक की नज़र आए। और साथ ही साथ इस बाइक में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन इसकी ये है कि ये एक 17 हॉर्स पावर 12.5 पाउंड फीट ऑफ टोन बनाता है। तो यही वजह है कि ये कोई भी चौड़ाई और कोई भी जो है रोड, चाहे पक्का हो या कच्चा हो रोड, उस पर ये इजीली जो है अपने आप को स्मूथली रनिंग करता है। आपको इसको चलाते हुए कोई मसला पेश नहीं आएगा। और मैंने आपको जो बता दिया कि इसमें जो पेट्रोल एवरेज का भी आपको बता दिया। उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि इसका जो फ्रंट टायर है वो 110/80 है और अगर बैक टायर की बात की जाए वो 130/80 है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जो है इसकी लुक देख सकते हैं, एक अच्छा ट्रेल बाइक बनाया है। और क्लियरली बात करूँगा, ये एक जो है चाइना का ट्रेल बाइक है और देखा जाए तो मतलब अच्छी क्वालिटी है, अच्छा मजबूत बाइक है। फ्रंट लुक आपने देखी, इसकी बैक लुक देखी, टायर्स वगैरह देखे। फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि
ये आप देख सकते हैं, इतना तो अंदर कोई भी नहीं जाता, इतना अंदर जाकर रिव्यू कोई भी नहीं बनाता। बस पीके बाइक्स के रिव्यू इसी तरह है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरसलान अहमद साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।